फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्लाजो की स्टिचिंग। इस प्लाजो की जो कटिंग है वो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको जो इसकी स्टिचिंग है वो इजी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे प्लाजो की पॉकेट है, इसकी जो लेंथ है, ब्रॉडनेस है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट और बैक साइड के दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। जी देखिए, सिंपली रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से रखते हुए। और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी जो हमारा आसन है फ्रंट साइड का, उसे भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इस सिलाई को भी हमने डबल करना है। जी देखिए, इसी तरह से हमने दोनों साइड से आसन को स्टिच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से खोलते हुए इसकी जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। फ्रंट साइड वाली पार्ट के ऊपर राइट साइड हम पॉकेट अटैच करेंगे। ये देखिए, ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम 2.5 इंच पर, उसके बाद हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम पॉकेट अटैच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमने पॉकेट ली है, और तो इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है, ब्रॉडनेस इसकी 7 इंच है। बीच में से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से कट करने के बाद इसका एक साइड हम लेकर इसे इस तरह से रखते हुए, जी देखिए ऐसे, और नीचे हमारे दोनों राइट साइड है, पॉकेट का भी और प्लाजो का भी, इसे इस तरह से सीधी साइड उल्टा करके रखते हुए इसे इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ से जो हमने कट लगाया है वहाँ तक इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो हम इसके ऊपर पॉकेट लगा रहे हैं, ये पॉकेट हमारे प्लाजो की फ्रंट साइड राइट साइड के ऊपर हम ये पॉकेट अटैच कर रहे हैं। और इसी तरह से पॉकेट के ऊपर ऐसे कट लगाकर इसे रॉन्ग साइड टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए, ऐसे अच्छे से टर्न करने के बाद अब हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे जी देखिए, इस तरह से जो हमारी पॉकेट का एक पार्ट है जो स्टिच हो चुका है, इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट स्टिच करेंगे। इसे इस तरह से रखते हुए, जी देखिए, दोनों साइड दोनों की सीधी साइड आनी चाहिए पॉकेट के अंदर। अब इसे हम इस तरह से उल्टा रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी पॉकेट है वो सीधी हो जाएगी। जी देखिए, इस तरह से। और इस सिलाई को हम डबल जरूर करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को डबल कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। जी देखिए, ऐसे हमारी जो पॉकेट लग चुकी है। अब हम पॉकेट के ऊपर हम जहाँ पर एक सिलाई लगाकर पॉकेट को अच्छे से स्टिच कर लेंगे ऊपर तक, और जहाँ से हम इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी पॉकेट स्टिच हो चुकी है। जी देखिए, इस तरह से दोनों साइड से देखिए आप अच्छे से हमारी जो पॉकेट है वो स्टिच हुई है। अब हम इसके ऊपर हमारा जो बैक पार्ट है उन्हें रखते हुए दोनों साइड वाली सिलाई हम लगाकर इसे रेडी करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम रखते हुए इसकी साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर इसे रेडी कर लेंगे दोनों साइड से।
और अब हम दूसरी साइड से भी इसे स्टिच करेंगे, जहाँ से देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके दोनों साइड इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया है आसन के ऊपर भी और नीचे साइड सिलाई के ऊपर भी। अब हम नीचे से इसका पोंचा फोल्ड करेंगे। पोंचे का मार्जिन हमने नीचे से 2 इंच लिया है, तो हम ऐसे ही 2 इंच पर निशान लगा कर इसे उतना ही फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए जैसे हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है उतना ही इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे पोंचे को भी सेम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड से पोंचे को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जितना हमारा पोंचा तैयार है, जितनी मूरी तैयार है उसका निशान लगाएंगे। मूरी हमारे पास 8 इंच तैयार है, तो हम 8.2 इंच पर निशान लगा लेंगे। जब इसे फोल्ड करेंगे तो हमारी जो पोंचा है वो 8 इंच रह जाएगा। देखिए इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहाँ से सिलाई को डबल करेंगे और इस सिलाई को हम ऊपर आसन वाली सिलाई के साथ अच्छे से मैच करेंगे। देखिए इस तरह से जो हमारी आसन वाली दोनों सिलाइयाँ हैं तो वो दोनों बराबर रहनी चाहिए। अगर कहीं से भी हमारी सिलाई थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो प्लाजो की घूमेंगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, कटिंग के टाइम ही आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम दूसरी साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए वैसे ही निशान लगाएंगे। 8 इंच 2 पॉइंट का निशान लगा कर इसे सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने पीछे सिलाई लगाई थी। और इस सिलाई को भी हम अच्छे से आसन वाली सिलाई के साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी थी, तो जहाँ से मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया मुझे पता नहीं चला, और ऊपर से भी हमने जो इसके ऊपर इलास्टिक डालना है वहाँ से भी हमने इसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर लिया है। अब हम जहाँ से जितनी हमारी हिप है, हिप हमारे पास 42 इंच है, तो 42 में से हम 10 इंच मेंस कर इसमें इस तरह से ये 30.5 इंच का इलास्टिक डालेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम जहां से इसे इस तरह से ये देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जिस सिलाई हम इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इलास्टिक के पास पास नीचे सिलाई लगाएंगे और सारे प्लाजो के ऊपर हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और पीछे हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इलास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे पूरे पूरे इलास्टिक के ऊपर। हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। जी देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हम इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से खींचते हुए। जी देखिए इस तरह से इसे अच्छे से सेट करने के बाद अब हम दोनों साइड से इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से
दोनों हाथों के साथ ऐसे इलास्टिक को खींचेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे बीच में। जी देखिए, इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे और इंटरलॉक करने के बाद इसे अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। जी देखिए, इसी तरह से जो हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी जी देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो पॉकेट स्टिच हुई है। अगर आप भी इसी तरह से प्लाजो बनाएंगे तो आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो कभी भी उठेंगी नहीं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और रेडीमेड स्टाइल में आपका प्लाजो बनकर रेडी होगा। हमने आपको बहुत ही इजी तरीके के साथ प्लाजो को स्टिच करना बताया है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो इसकी कटिंग भी जरूर देखेगा, वो भी हमने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे के साथ कटिंग करना बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोज देखने के लिए। Oh, thank you. Thanks for watching.